हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉ लेक्चर में बात करने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पनिशमेंट। पनिशमेंट हिंदी में सब लोग जानते हैं, इसको सजा कहते हैं। अब ये दिया कहाँ हुआ है? तो ये अंडर सेक्शन 53 आईपीसी में दिया हुआ है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे, साथ के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितने टाइप्स की पनिशमेंट होती है, या ये कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर पनिशमेंट के मीनिंग की, तो इसको एक लाइन में डिफाइन किया गया है कि पनिशमेंट इज जस्टिस फॉर द अनजस्ट। अन्याय अगर हुआ है किसी के साथ, गलत अगर हुआ है, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट देना, सजा देना क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। तो पनिशमेंट का मीनिंग ये होता है। डेफिनेशन इसकी HLA हार्ट विद मिस्टर बीन एंड प्रोफेसर फ्यू ने डिफाइन किया पनिशमेंट को। किन बेसिस पे? ऑन द बेसिस फॉलोइंग ऑफ 5 एलिमेंट्स उन्होंने बताए। पहला कि इट मस्ट बी जो इन्वॉल्व होगा, पेन होगा और अदर कॉन्सिक्वेंसेस नॉर्मली जो कंसिडर्ड होगा अनप्लीसेंट होगा। ऑब्वियसली बात, अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है या कोई ऐसी चीज की है तो उसको वो पेन मिलना ही चाहिए। दूसरी बात कि इट मस्ट बी ऑफेंस अगेंस्ट लीगल रूल, उसने कोई लीगल रूल वायलेट किया हो। मॉरल रूल पे पनिशमेंट नहीं मिलती, लीगल रूल अगर वायलेट करते हैं तो पनिशमेंट वाली बात आती है। थर्ड वन इज एक्चुअल में या सपोज में ऑफेंडर ने ऑफेंस किया हो, या तो वास्तविकता में किया हो। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस ही ना किया हो तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलती है। ऑफेंस करना जरूरी है, चाहे एक्चुअल में किया हो चाहे सपोज में ऑफेंडर ने ऑफेंस किया है। फोर्थ वन इज इंटेंशनली देखा जाता है ह्यूमन बींग का, अदर देन द ऑफेंडर, किस तरीके से उसका इंटेंशन वगैरह था, तो उसके इंटेंशन के हिसाब से भी उसे पनिशमेंट दी जाती है। फिफ्थ वन इज इसको इम्पोज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अथॉरिटी के लिए, लीगल सिस्टम जो भी है उसके अगेंस्ट जो भी अगर ऑफेंस अगर इस तरीके का कमिट किया है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू ग्रीनहार्ट ने भी अपने कुछ रूल्स बताए, अपने पॉइंट्स बताए, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि पहला तो क्या है, स्पीडी और इनकेपेबल डिटेक्शन होगा। सीधी बात है ना, डिटेक्ट करते हैं अगर किसी ने भी इस तरीके का कोई भी क्राइम किया होता है तो उसे डिटेक्ट करते हैं, डिटेन करते हैं उसको। दूसरी बात, आफ्टर दैट क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है, एक फेयर चांस रहता है कि फ्रेश स्टार्ट कर सके। एंड थर्ड वन इज ये रहता है कि इस तरीके का कोई भी अगर क्लेम हुआ है, राइट ऑफ पनिशमेंट हुई है, तो जो भी सुपीरियर वैल्यू है, ठीक है ना, ऑफेंडर की जो भी सुपीरियर वैल्यू है, रीजनेबल जो भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड टू एक्नॉलेजमेंट जो भी रहेगा वो उस तरीके से मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। अब पनिशमेंट होती कितनी प्रकार की है, तो यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट मतलब कि जो पनिशमेंट सजा है वो कितने प्रकार की होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, यानी कि वो थ्योरी क्या क्या है, तो दोनों अलग है, इसको मिक्स मत करना प्लीज। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट इसमें 4 कैटेगरी है। नंबर वन इज कॉर्पोरेल, सेकेंड वन इज ट्रांसपोरेशन, थर्ड वन इज कैपिटल पनिशमेंट, सब लोग जानते हैं, फिफ्थ वन इज इम्प्रिजमेंट, फाइव वन इज मॉनेटरी पनिशमेंट। तो पहली है कॉर्पोरेल। कॉर्पोरेल पनिशमेंट कैसी होती है, ये हिस्ट्री टाइम में दी जाती थी। अगर हम अपना हिस्ट्री देखा के देखें तो इसमें क्या होता था, फिजिकल टॉर्चर दिया जाता था, शारीरिक दंड हम इसको हिंदी में कह सकते हैं, शारीरिक दंड दिया जाता था। जो भी ऑफेंडर होता था या जो भी इस कन्विक्टेड पर्सन होता था उसको इस तरीके से किया जाता था। अब कॉर्पोरेल पनिशमेंट की भी टाइप्स यहाँ पे है। नंबर वन इज फ्लोगिंग। तो फ्लोगिंग में क्या होता था, फ्लोगिंग में इस तरीके की चीजें होती थी, जिस व्यक्ति को फ्लोगिंग, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, कोड़े वगैरह लगा दिए जाते थे, ऐसे व्यक्ति को कोड़े लगा दिए जाते थे। अब के टाइम में ये नहीं होता, पहले होता था। उसके बाद है म्यूटेशन। तो इसमें क्या है, म्यूटिलेशंस में इसमें क्या होता था कि टिट फॉर टैट वाला रूल चलता था। अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए चोरी की है या किसी को हाथ लगाया, अरब के कंट्रीज में अभी भी ये चीज है आप देखेंगे, तो उस पे हाथ लगाया या कुछ भी ऐसी चीज की है तो वो अंग काट देते थे, वो जो बॉडी का पार्ट है वही काट देते थे जिससे उसने क्राइम किया है। तो ये एक तरीके से टिट फॉर टैट वाली देखने की हमें चीज मिलती है। थर्ड वन इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में होता क्या होता था, ब्रांडिंग नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता था, जो ऑफेंडर होता था उसके माथे पे या तो लिख दिया जाता था कि अपराधी है, पहले के टाइम पे ये चीज होती थी, अब नहीं होती है, कि उसके माथे पे ही लिख देते थे। तो रोम में ये ज्यादा चलता था, और इसमें ये होता था कि जो भी पर्सन है उसके माथे पे लिख देते थे ताकि जब वो अपनी पनिशमेंट काट के अगर सोसाइटी में बाहर आए तो पहले ही पता चल जाता था कि इस व्यक्ति के माथे पे लिखा है, क्या मतलब इसने कोई ना कोई अपराध किया था या किया होगा जब ये लिखा गया। फोर्थ वन इज स्टॉक्स एंड आपका
पिलोरियस। तो स्टॉक्स में और पिलोरियस में छोटा सा डिफरेंस है। स्टॉक्स में क्या होता था, एक लकड़ी के सांचा सा बना रहता था और उस पर उसको चेयर के तरीके से बैठा दिया जाता था और वो सेम उसी पोजीशन में बैठा रहता था, ना ही वो उठ सकता था, वो मूवमेंट नहीं कर सकता था। और दूसरा वाला है आपका पिलोरियस, इसमें इंसान को वैसे ही सेम पनिशमेंट रहती थी, एक सांचा बना देते थे और इंसान खड़ा रहता था, उसके हाथ पैर जो है बांध दिए जाते थे हैंडक्राफ्ट वगैरह की मदद से और वो मूवमेंट नहीं कर पाता था। तो स्टॉक्स में क्या है कि जब इसमें चेयर पे बैठा दिया जाता है वो हिल नहीं सकता, और पिलोरियस में उसको खड़ा रख दिया जाता है। तो ये यहाँ पे देखने को मिला। थर्ड वन इज जो अदर कॉर्पोरल पनिशमेंट है, उसमें क्या होता था, चेन से जंजीरों वगैरह से बांध देते थे, या जो प्रिजनर्स वगैरह होते थे उनको क्या है कि आयरन बेल्ट वगैरह इस तरीके की चीजें करते थे, या उनको हथकड़ी वगैरह लगा दी डोर, मतलब इस तरीके से जो क्रूल पनिशमेंट थी ना वो इस पनिशमेंट में आती थी, कॉर्पोरल पनिशमेंट में। सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होता था, जो क्रिमिनल्स होते थे उन क्रिमिनल्स को या तो देश से निकाल देते थे या क्या करते थे उनको, या उनको ऐसी जगह पर छोड़ देते थे जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता था, उन्हें अकेला छोड़ देते थे। और किसी भी व्यक्ति को अगर अकेला छोड़ा जाए तो वो उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में यही होता था, जो क्रिमिनल्स होते थे उनको इस तरीके से, जैसे इंडिया में भी ये चलता था अंडमान और इन सब जगहों पे जहां पे डेंजरस नहीं किया, ऐसी कोई डेंजर जगह जहां पे ह्यूमंस नहीं होते वहां छोड़ दिया जाता था अकेले। तो ये एक पनिशमेंट थी, ठीक है। और इसमें एक बात और देखने वाली है, 1995 में जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ रहती थी, इसमें आपको ये भी रहेगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें जो रहती थी ये भी जो लॉ कमीशन है उसके अंडर पे रहती थी। थर्ड वन इज कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट क्या, सभी को पता है कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी जो मिलती है। कैपिटल पनिशमेंट में ये चीज देखी जाती थी कि कैपिटल पनिशमेंट में अगर किसी व्यक्ति ने इस तरीके का कोई काम किया है, या तो वो देश के अगेंस्ट है या इस तरीके से कुछ भी ऐसा किया है, तो उसे कैपिटल पनिशमेंट मिलती जाती थी, उसे दंड दे जाता था, मार दिया ही जाता था। राजा नंद कुमार वाला केस भी हमने पढ़ लिया, हिस्टोरिकल डेथ जिस बारे में बात की है, तो ये इसमें चार्जेस ऑफ फॉर्जरी का था। कैपिटल पनिशमेंट जो है एशियंट इंडिया में थी। अभी मनु ने प्रस्क्राइब किया कि पनिशमेंट जो है सर्टेन ऑफेंस के लिए, कुछ ही ऑफेंस के लिए होनी चाहिए कैपिटल पनिशमेंट, हर उसके लिए नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम रूल जब था तब उस टाइम पे जो है डेथ पेनल्टी वॉज प्रिस्क्राइब कर जाती थी कि सर्टेन ऑफेंस पे होगा, हर ऑफेंस पे आप कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते थे। अकॉर्डिंग टू अगर आईपीसी देखे कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे कुछ लिखे हुआ है, लाइक वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा आप कोई चीज करते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, सेक्शन 121, मर्डर 302, अबेटमेंट कर दिया 132, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ वुमेन और इंसेंट, जो कि इंटॉक्सिड पीपल हैं, पर्सन है उनके साथ कर दिया सेक्शन 305, किडनैपिंग वगैरह कर दी 364, इस तरीके से करके और भी हैं, रेप वगैरह का 376 है और 364 ए आपका किडनैपिंग वगैरह के लिए हो जाएगा, या अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है, अर्डन, जो भी उस तरीके से रीजन रहते हैं जो आईपीसी में यहाँ पे गिवन है, तो जिनमें कैपिटल पनिशमेंट मिलती है। उसमें भी क्या देखा जाता है, उसमें भी ये चीज देखी जाती है कि कुछ केस में ही मिलता है, ऐसा नहीं कि हर केस में मिलता है, सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, वो क्या फिनोमेना रहे थे जिस उसमें जो है ये तरीके के ऑफेंस हुए, तो वो सब देखने के बाद ही कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रिजमेंट की, हमारा फोर्थ पॉइंट। इम्प्रिजमेंट क्या, इम्प्रिजमेंट जैसे कि कारावास, हिंदी में इसको कारावास कहते हैं, इम्प्रिजमेंट मतलब कारावास। इसमें क्या होता है, कारावास में भी यहाँ पे फोर टाइप पे डिवाइड कर दिया गया, सिंपल इम्प्रिजमेंट, रिगोरियस, सॉलिटरी और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। सिंपल कारावास, सादा कारावास, वो उस तरीके के ऑफेंस पे मिलता है, माइनर ऑफेंसेस जो होते हैं जो कि सीरियस कंसिडर हम नहीं करते, जिन्हें हम सीरियस ऑफेंस में नहीं लेते वहां। दूसरा, ऐसे पर्सनली को नॉर्मली, जो कि ऐसा जो पर्सन होता है उसकी नॉर्मल लाइफ ही रहती है और वो जितना भी टाइम पीरियड उसको मिला होता है कारावास का, लाइक 6 मंथ या 1 ईयर, तो वो काटने के बाद वो आ जाता है, इतना कोई इसमें वो नहीं होता, बिल्कुल नाम की तरह ही है अपने, सिंपल इम्प्रिजमेंट ही रहती है, लोगों से मिलता जुलता है और मतलब लोग उससे मिलने जा सकते हैं और वो और कैदियों के साथ रहता है। सेकेंड वन इज रिगोरियस इम्प्रिजमेंट। रिगोरियस इम्प्रिजमेंट कठोर कारावास होती है। इस कारावास में क्या होता है कि इसमें आपको
लेबर वर्क करना पड़ता है, सिंपल में नहीं करना पड़ता, सिंपल एडिटिव में। यहाँ पे आपको लेबर वर्क करना पड़ता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं बहुत ही पॉपुलर अगर हम बात करें तो कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने जो है जेल की सजा काटी है, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो वो वहां यहाँ पे रिगोरियस इम्प्रिजमेंट में रहती है, उन्होंने कारावास कठोर कारावास में रहती है, वहां पे उन्हें काम वगैरह भी करना पड़ता है। दूसरा ये रहता है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो सब ऑर्गेनाइज जो है प्रिजनर्स के लिए किए जाते हैं, वो सब नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल जो है उनके लिए दिया जाता है। थर्ड वन इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या सॉलिटरी इम्प्रिजमेंट, काल कोठरी। ये इन दोनों से वेरी ब्रूटली होती है और इसमें ना ही वो प्रिजनर जो है उसको अलाउड नहीं होता कि वो दूसरे कैदियों से मिल सके। सिंपल में तो मिल सकता है, रिगोरियस में भी मिल सकता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वो किसी अदर कैदी से नहीं मिल सकता और उसको मेंटल और फिजिकल एक तरीके से काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही अनहाइजेनिक होती है। तो क्या होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी, अगर वो अकेला रहता है तो उस केस में वो उसकी डेथ, कई केसों में देखा गया कि अकेला रहने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। उसको बाहरी दुनिया से बिल्कुल बायकॉट कर दिया जाता है, बाहरी दुनिया से उसको कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे तो ये देखा जाए रिफॉर्म करने के लिए किया गया है, पर इसमें चांसेस कम रहते हैं कि पर्सन बचे, काफी केस में बच भी जाते हैं, पर कुछ कंडीशंस में जो है प्रिजनर्स की ये डेथ भी देखने को मिली है। फोर्थ वन इज इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए जो इम्प्रिजमेंट रहता है, लाइफ के लिए क्या अंडर सेक्शन आप 302 आईपीसी में देख सकते हैं, इसमें जो इम्प्रिजमेंट रहता है वो फॉर लाइफ रहता है, होल लाइफ रहता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलर इतने टाइम का ही रहेगा, जो कुछ लोगों को गलतफहमी लगती है, ऐसा नहीं है। होल लाइफ मतलब होल लाइफ, जब तक वो पर्सन जिंदा रहेगा तब तक उसकी पनिशमेंट रहती है, वो इम्प्रिजमेंट जो है उसको मिलती ही मिलती है, रहता ही है वो। फिफ्थ वन इस बात करते हैं मॉनेटरी पनिशमेंट की। मॉनेटरी यानी कि कुछ फाइनेंशियल या पैसों से रिलेटेड बात है। मॉनेटरी पनिशमेंट में दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज फाइन, सेकंड वन इज फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फाइन क्या, कुछ केसों में देखा जाता है कि भाई छोटा ऑफेंस है तो प्रिजनर को उस टाइम पे फाइन देके भी छोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज बात और देखने वाली, अगर किसी के पास फाइन देने के लिए जो है पैसे ना हो, फाइन ना पे कर पाए, तो उसमें एक एवरेज दिखा दी जाती है कुछ रेशो के हिसाब से, जज या मजिस्ट्रेट जो भी होते हैं वो एक फॉर्मूला रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि वो व्यक्ति अगर फाइन नहीं दे पा रहा तो उसे उतने मंथ की जो है पनिशमेंट मिल जाएगी, बट वो सिक्स मंथ से ज्यादा की इम्प्रिजमेंट नहीं रहती और वो उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट में रखा जाता है। ठीक है, जो भी उसको मतलब अगर वो मान लीजिए कोई फाइन अपना पे नहीं कर पा रहा है तो उसके हिसाब से उसको 1 मंथ 2 मंथ जो भी रहता है उसके वैल्यू देता है, बट मैक्सिमम 6 मंथ और उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट मिलती है। वो लोगों से मिल भी सकता है, प्रिजनर्स वगैरह से मिल भी सकता है, उससे मिलने भी लोग आ सकते हैं। और सेकेंड वन बात करें फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की, तो अंडर सेक्शन 126, 127 एंड 169 आईपीसी में गिवन है। उसमें क्या रहता है, उसमें ये रहता है कि आपने मान लीजिए कोई आप इस तरीके के पर्सन है, ठीक है, आपने क्या किया उस तरीके की प्रॉपर्टी खरीद ली जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए थी, या जो आप एक स्टेट के पर्सन हो आप, ठीक है, अगर आपने उस टाइम पे ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जिसको आपको खरीदने के लिए प्रोहिबिटेड थे तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, ना आप पे फाइन लग रहा है ना आपको पनिशमेंट मिल रही है, कुछ केसेस में मिल भी जाती है, बट फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी को यही है मेनली बेसिकली कि उसको जब्त कर लिया जाता है, वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। अच्छा, पहले के टाइम में क्या होता था, जो फाइन और इस तरीके की चीजें होती थी वो राजकोष में जाया करती थी। इसमें फाइन में यहाँ पे एक चीज देखने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे फाइन जो कि पीड़ित पक्ष होता है, ठीक है, मान लीजिए किसी के साथ अगर गलत हुआ तो जो पीड़ित पक्ष है उस व्यक्ति को ये फाइन का पैसा दिया जाता है एज अ कंपनसेशन। तो आई होप पनिशमेंट वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।